Morning, students. We will continue the function chapter. Suppose I am going to create one function. ये function का name suppose है display, ठीक है? और इस function में मैंने return करवाया है. और रिटर्न में मेरे को वैल्यू नहीं दी, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स ले लिया, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और उसके बाद प्रिंट एक्स हमने डिस्प्ले किया. आई सेव दिस प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट I executed the program. Answer is none. It means if the function is not returning anything, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होती है? ठीक है, ये remember one thing कि अगर ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए and there is an MCQ question is here, it will return none. Blank space, a space here, ठीक है? C, not कुछ ऐसे वर्ड हो, ठीक है? तो उसमें ना 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 सर. The question is what is the default return value for a function that does not return any value explicitly? तो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे तो वो क्या हो जाएगा? It will be. Next is which of the following items are present in the function header? The function header kya hota beta? The first line, def wali line, it's a function header, theek hai? To a function name only, b function name, function name and parameter list, number c parameters list only, and d return value. तो आंसर इज बेटा बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, क्योंकि जब आप तो हेडर बनाते हो ऐसे बनाते हो डेफ फंक्शन नेम इज डिस्प्ले, हियर पैरामीटर्स आर ए बी एंड सी, ये आपका फंक्शन है. नेक्स्ट इज with which keyword the function starts? Def keyword. Okay. Next is, ये मैं आपको MCQ step questions करा रहा हूँ. Next is, there is one function definition, def f in bracket it is number. तो number क्या है यहाँ पे? Parameter list, ठीक है? Parameters है. F क्या है? Name of the function. और यहाँ पे उन्होंने missing लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे missing है, हमें वो बताना है क्या चीज missing है इसमें. और नीचे की तरफ हमारे पास दिया हुआ है print f bracket 5. तो ये फिर फंक्शन कॉलिंग होगी. एफ क्या है? फंक्शन नेम. 5 क्या है? आर्गुमेंट या ऐसे एक्चुअल पैरामीटर. तो 5 किसमें सेव हो गया? नंबर में.
अब ये देखो, जब भी हमने ऐसे फंक्शन प्रिंट के साथ लगाया है, इट मींस द फंक्शन विल रिटर्न समथिंग बिकॉज वी आर डिस्प्लेइंग द डेटा, हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तभी अदरवाइज वो क्या डिस्प्ले करेगा नन, ठीक है। तो नीचे आंसर में क्या है इसके, रिटर्न नंबर, नंबर मींस फाइव इधर गया था, रिटर्न फाइव, ठीक है, बी में उन्होंने लिखा हुआ है प्रिंट नंबर, सी में लिखा हुआ है प्रिंट डबल कोट्स में नंबर, यहां पे ना डबल कोट्स है, और डी में है रिटर्न नंबर। सो हियर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम इट शुड, हियर नंबर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये वाला होना चाहिए रिटर्न, पर अगर हम इसमें ये भी चला देंगे ना तब भी ये चलेगा, ठीक है, करके देखें, चला के देखें इसको, ठीक है, ए और डी दोनों में, दोनों ठीक है, पर क्योंकि हमने यहाँ में नंबर था इसलिए हम बी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ फाइव है तो उसमें फाइव आ गया, तो हमने रिटर्न नंबर, क्योंकि ये वेरिएबल है, हमने डबल कोट्स में नहीं लगाया, इन केस अगर हमने डबल कोट्स यूज करें इट इज अ स्ट्रिंग, तो प्रोग्राम में इसका कोई इफेक्ट नहीं होना, करके देखते हैं इसको, आंसर इज डी, ठीक है। सो लुक एट हियर, आई एम यूजिंग हियर रिटर्न नंबर, ठीक है, तो आई रन द प्रोग्राम, उसने डिस्प्ले कर दिया नंबर, क्योंकि नंबर आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हुई, यहाँ पे नंबर आके डिस्प्ले हो गया। अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स में लगाते तो क्या डिस्प्ले होता, यस फाइव, क्योंकि ने रिटर्न फाइव किया था, नंबर में कौन सी वैल्यू आ गई थी फाइव, तो वो फाइव हमने क्या करवा दिए रिटर्न नंबर। क्लियर, नेक्स्ट इज, दिस इज पेज नंबर 136 इन योर बुक बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट कौन सा है आपने बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ए क्या ये करेक्ट हो सकता है, नो, इफ वी आर गिविंग द वैल्यू टू ए वी विल हैव टू गिव द वैल्यू टू बी आल्सो, is this correct because we are not giving the value to b, these are default value, so this is correct one, again this is incorrect, the correct one is just see, next is there is a one function header is given and you will have to select ki isme se kaun si statement function calling ho sakti hai, correct function calling, so here is def test, the function header is here, ab answer is a, function calling hai test 1 2 3 4, b test
is equal to 1, 1, then 2, 3, 4, 3, A is equal to 1, B is equal to 2, C equal to 3 and 4. Test A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, D is equal to 4. इसमें मल्टीपल मल्टीपल आंसर आएंगे आ सकते हैं एमसीक्यूज़ बनाया बट मल्टीपल टेस्ट 1 2 3 4 1 की वैल्यू भी चलेगी 2 की वैल्यू बी में चली गई 3 की वैल्यू सी में और डी की वैल्यू 4 की वैल्यू डी में फर्स्ट वन इज करेक्ट वन अगर हम इसको देखें ठीक है इन्होंने क्वेश्चन ये है अब ए की वैल्यू 1 में ए में 1 आ गया बी में 2 सी में ए भी चल सकता है ए में 1 बी में ये सारे चल सकते हैं मैं एक मिनट ऐसे करते हैं इससे इसका एक फंक्शन प्रॉपर बना लेते हैं उसके बाद चला के देखते हैं इसको ठीक है आई थिंक गाइस ये सारे वर्क करेंगे प्रिंट ए प्रिंट बी प्रिंट सी प्रिंट डी एंड हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट वन सिर्फ ये स्टेटमेंट ले रहा हूं बाकी नहीं ले रहा तो ये मैं फंक्शन में यहां पे ले लिया एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिलीटेड आई रन द मॉड्यूल So look at here 1 2 3 4 okay now next time I copy the second one to isme a ki one chale gaye next second according to the position b mein 2 hoga in c mein 3 and d mein 4 okay I am running this प्रॉब्लम इज देयर यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या कौन सी आएगी आपके पास बेटा जब आप इस तरीके से वैल्यू किसी भी वेरिएबल को देते हो तो ये वैल्यू कौन सी बन जाती है टप्पर की वैल्यू फॉलो कर रहे हो बेटा आपको कौन सी वैल्यू बन गई टप्पर की वैल्यू ठीक है वो रिम कर रहा है कि ए यहाँ पे टप्पर बन गया ठीक है अगर यहाँ पे मैं एक्स दे देता ना तो उसने सारी की सारी वैल्यू को रिसीव कर लेना ठीक है तो उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे ये वाला ब्लॉक अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी सी के साथ ठीक है सी के साथ आएगी प्रॉब्लम ये ठीक है क्योंकि सी में टू वैल्यूज आते हैं कॉमा लगाएंगे तो टप्पर बन गया एंड लास्ट वन ए इज वन बी इज इक्वल टू सी ये तो ठीक लग रहा है ओके तो इसमें टू आंसर्स आ गए वन एंड ए एंड डी करेक्ट आंसर इसे नेक्स्ट इज क्वेश्चन सर अब हम क्या करते हैं कि फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट we are doing with the help of functions okay so kya hoga two chapters we will complete okay now I take one variable value
Here I am the value, there is a string value. Clear? I call the function test, and here value is a actual parameter. इसको आप आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है? अब वो वैल्यू हमने कहाँ पे रिसीव कर ली? वी आर रिसीविंग दिस इन ए. सपोज आई वांट टू राइट दिस वर्ड इन ए टेक्स्ट फाइल. मैंने टेक्स्ट फाइल में इसको राइट कर दिया. Okay, students, now I want to write this word, good work, in the text file. So I will take one file pointer, file object, f is equal to open, name of the file, my file dot txt, ठीक है? अब मुझे यहां पर मोड भी देना पड़ेगा. तो माय मोड इज डब्ल्यू राइट, ठीक है? ये फाइल इन केस इट इज नॉट ऑलरेडी देयर इन द माय कंप्यूटर, ऑटोमेटिकली क्रिएशन में भी देयर, तो ऑटोमेटिकली फाइल बन जाएगी. कहां पे बनेगी? जहां मेरी पाइथन की फाइल पड़ी हुई सेम फोल्डर में. अब आपने डाटा राइट करना है. We will use f file object dot write. What you want to write? You want to write a. A bhi kya tha? Good work. Clear about a students? And then after that, you will have to close the file. So I am saving this file in my desktop. And when I run the program, so look at here, there is no any message, error message. It means automatically program executed. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे file check की, my file बनी हुई है. I right click and open with the notepad. Good work is. ठीक है, so quickly make this file. जल्दी से बेटा file create करो ये. एनी डाउट है? एग्जीक्यूशन कर लिया आपने? चला के देखो ना प्रॉब्लम को, एग्जीक्यूट करो. एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? टुमारो इज ए टुमारो इज बिट अ कंप्यूटर प्रैक्टिकल ऑफ 1 आवर फॉर ऑफलाइन ओनली ऑफलाइन. चलो ऑनलाइन नहीं होगा, आपका 1 आवर का प्रैक्टिकल पीरियड होगा. तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल सिर्फ करना है. आई विल डिस्कस द प्रोग्राम्स एंड देन यू विल इंप्लीमेंट दैट प्रोग्राम्स. एंड इन केस द ऑनलाइन स्टूडेंट वांट टू कम टू द प्रैक्टिकल पीरियड, दे विल ब्रिंग द कंसेंट फॉर्म. ठीक है, कंसेंट फॉर्म लाके वो भी ऑनलाइन पीरियड ज्वाइन कर सकते हैं. Now, there is one more thing. Suppose in place of good work, I'm writing here morning. Okay. And I am executing the same program again. There is no any error. I check in my text file.
ये देखो बेटा प्रीवियस डेटा डिलीटेड एंड न्यू डेटा एडेड, बट इन प्लेस ऑफ डब्ल्यू मोड इफ आई विल यूज ए मोड इट इज कॉल्ड अपेंड मोड. इट मीन्स देर विल बी एडिशन डेटा एड होगा, देर विल बी नो एनी टाइप ऑफ डिलीशन इज इन द फाइल. लुक एट हियर आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम सेकेंड टाइम. I check in my file, I'm checking the data. So look at here, morning is two times. Means previous data will, it will retain the previous data. ठीक है? तो addition जो होगी data की वो file के end में होगी. Quickly implement this. Okay, in case, look at here, we are not sending any value. Okay, and you want ki ek loop lagaye aur user data enter kare aur then we add the data in the file. So, suppose I want to use a for loop I in range 3. ठीक है, वी विल गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर. एंटर डेटा एफ डॉट राइट एन. ठीक है, तो जितनी बार यूजर थ्री टाइम लूप चलेगा, थ्री टाइम यू विल एंटर द स्ट्रिंग एंड दैट स्ट्रिंग विल बी एडेड इन द फाइल. ओके, सो आई एम इंप्लीमेंटिंग दिस. सो लुक एट हियर, एंटर डेटा, दिस इज कंप्यूटर लैब मेकिंग कंप्यूटर programs in Python. So in a text file, so look at here, but line will not be changed. How you can change the line? ये देखो यार, मैं ये data यहाँ से delete कर रहा हूँ पहले. तो यहां पे आपने क्या करना है, अगर लाइन चेंज करवानी है आपने, स्लैश, ठीक है, कैसे वो बेटा बता दो, वेट दिस इज कंप्यूटर period making computer programs in Python. So look at here, in text file these are in separate lines. Okay, and is used with print command in order to displaying the data in same line. अदरवाइज क्या होता है, प्रिंट कमांड सेपरेट लाइन, क्योंकि हमें प्रिंट कमांड तो हम यूज ही नहीं कर रहे, हम तो राइट यूज कर रहे हैं, फाइल में डाटा जा रहा है, तो वो सेम लाइन में जाएगा. ठीक है, दिस इज अबाउट हाउ वी कैन राइट द डाटा. नाउ इफ आई वांट टू रीड द डाटा, ठीक है, आई एम मेकिंग हियर फन फंक्शन डेफ 3. मैं इस फंक्शन का नेम राइट दे रहा हूं W capital में, क्योंकि write is a keyword. W capital to me is now it is an identifier. और यहाँ पे भी मैंने write कर दिया था write. And before that I am using hash. It means this is a comment. अब ये execute नहीं होगा. तो read का R capital. Open the declare file
ऑब्जेक्ट या फाइल पॉइंटर, सेम फाइल आप ओपन कर रहे हो, बट नाउ मोड विल बी डिफरेंट. वी विल यूज आर मोड. आर मोड मीन्स रीडिंग द डाटा. नाउ हियर इज इन राइट देयर इज ए टू फंक्शन, राइट एंड राइट लाइंस. ठीक है, लेटर ऑन आई विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइंस. बट इन रीड देयर आर थ्री फंक्शन, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस. ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है? इफ आई एम यूजिंग योर रीड फंक्शन, इट विल रीड द फाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल द कंटेंट्स विल बी. और आर यहां पे क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग. ठीक है, अगर मैं यहां पे डिस्प्ले करूं प्रिंट आर, फिर ये कंप्लीट डाटा को डिस्प्ले कर देगा. तो आई एम आफ्टर दैट यू विल क्लोज द फाइल. Okay. और यहां पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं, रीड फंक्शन. आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस. सो लुक एट हियर, कंप्लीट डाटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारा कुछ रीड हो गया. और यहां पे आर क्या बन गया? एक स्ट्रिंग है बेटा. ये आर क्या है? स्ट्रिंग है. तो इसमें डाटा डबल कोट्स में आ रहा है, सारा डाटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक सारा डाटा. और इन केस अगर हम यहां पे स्प्लिट फंक्शन लगा दें, यहां से देखना बेटा क्या होगा. इधर स्प्लिट फंक्शन लगा दें, अब आर यहां पे बन गई एक लिस्ट. ये देखो लिस्ट नंबर्स आ जाएंगे. दिस इज कंप्यूटर पीरियड मेकिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन पाइथन. स्प्लिट फंक्शन क्या बन रहा है? वर्ड्स बना रहा है एंड सेविंग दिस वर्ड्स इन लिस्ट. ठीक है, नाउ इफ आई एम आई वांट टू सेस दिस लिस्ट, हाउ आई कैन डू दिस? फोर आई इन आर. तो आई में फर्स्ट फर्स्ट वर्ड आएगा, फिर सेकंड वर्ड आएगा, देन थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, लाइक दिस. ठीक है, और मैंने यहां पे डिस्प्ले कर दिया. इफ आई डबल इक्वल टू कंप्यूटर, तो उसी उस वर्ड को तभी डिस्प्ले करें. अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, तो तभी डिस्प्ले करें. आई को डिस्प्ले कर देना, वर्ड को डिस्प्ले कर देना. सो एक वर्ड है सिर्फ. ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेइंग, अगर हम इसको काउंटिंग करवा लें, तो वी डिक्लेयर वन वेरिएबल. लुक एट हियर, काउंट इक्वल टू जीरो, और जब भी वर्ड मैच हो गया, देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, एंड आफ्टर द लूप प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वर्ड्स आया वो, देन काउंट. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबके से सेपरेटर? सो इट इज वन टाइम. सो आई एम गोइंग टू चेंज इन माय फाइल. आई एम हियर, फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, हियर इज स्मॉल सी इज देयर. इन प्लेस ऑफ दैट आई एम मेकिंग इट एज से कैपिटल सी. अब टू वर्ड्स हो गए. ठीक है, आई एम सेविंग दिस एंड in my file I am executing this program two times. ठीक है, तो quickly note down this. देखो एक ही program में हमने write भी कर लिया data. अगर in practical paper ऐसे questions आ रहे हैं, तो आपने writing भी कर देनी है, reading भी साथ में कर. ठीक है, अगर paper में तो सिर्फ reading का ही आएगा, फिर तो आपने सिर्फ reading वाला block ही लिखना है, इतना block. Concept is clear. This is word-wise reading हो रही है. And for converting your data into
वर्ड्स वी यूज स्प्लिट फंक्शन. स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में से अलग अलग वर्ड्स को लेके लिस्ट की फॉर्मेट में क्रिएट करता है. क्षितिज एनी डाउट हियर? मानवीय, मानवीय एनी डाउट? हाँ जी सर. अभी इट इज क्लियर बेटा? हाँ जी सर. ओके बेटा, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू एंड रिमेम्बर बेटा,